गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी एजुकेशन। टुडे इज माय टॉपिक ऑन प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। तो फर्स्टली हम देखते हैं प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट दो टाइप से होता है, को प्रेसिपिटेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट, जो भी हमारा पीपीटी बना है वो कितने परसेंट प्योर है, उसमें कोई डिफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट में देखते हैं। तो पहला है को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेट मतलब जो पीपीटी बन रहा है उसके साथ कोई अनवांटेड सब्सटेंस या अदर सब्सटेंस फॉर्म हो गया, या एक कंपाउंड के साथ दूसरे कंपाउंड भी फॉर्म हो गए, इसको हम कहते हैं को प्रेसिपिटेशन। को प्रेसिपिटेशन बेसिकली दो मेथड से कम किया जा सकता है, तो डाइजेशन करें हम, या डिजॉल्विंग द प्रेसिपिटेट एंड रीप्रेसिपिटेशन। पीपीटी को डिजॉल्व कर लें किसी चीज़ में और उसका रीप्रेसिपिटेशन कराएँ। तो चार टाइप से बेसिकली को प्रेसिपिटेशन होता है। एडजॉर्प्शन, जो इम्प्योरिटी है वो एब्जॉर्ब हो जाती है सरफेस ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी भी प्रेसिपिटेट के सरफेस पे। डाइजेशन के द्वारा हम उसको कम कर सकते हैं और वॉशिंग के द्वारा। दूसरा होता है इंक्लूजन, कोई भी इम्प्योरिटी जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके बीच में कोई अदर कंपाउंड प्रेजेंट हो जाता है, जैसे मैग्नीशियम पोटेशियम फॉस्फेट में मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट प्रोड्यूस हो जाता, सीरियम सल्फेट में बेरियम सल्फेट हो जाता, मैग्नी सल्फाइड में कैडमियम सल्फाइड हो जाता है। ऑक्लूजन, ऑक्लूजन वो होता है जब पीपीटी तुरंत प्रोसेस होती है बहुत जल्दी बनने की, तो उसमें क्या तुरंत कोई ना कोई एंस उसमें ट्रैप हो जाता है और वो इम्प्योरिटी शो कर देता है, इसको डाइजेशन के द्वारा और रिप्रेसिपिटेशन के द्वारा कम किया जाता है। नेक्स्ट है अपना मैकेनिकल इंट्रैपमेंट। मैकेनिकल मतलब क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बीच में कोई अदर कंपाउंड प्रेजेंट हो जाए, ये अदर एलिमेंट कुछ ना कुछ पार्ट में प्रेजेंट हो जाता है उसका स्ट्रक्चर में, उसको हम कहते हैं मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट। इसको भी डाइजेशन और रिप्रेसिपिटेशन के द्वारा कम किया जा सकता है। पोस्ट प्रेसिपिटेशन, पोस्ट प्रेसिपिटेशन होता है जब पीपीटी आपका बन गया है उसके बाद उसमें कोई इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हुई, आपने पीपीटी बनाया उसमें एक कंपाउंड के साथ आपके और अदर कंपाउंड प्रोड्यूस हो गए, तो हम उसको कहेंगे पोस्ट प्रेसिपिटेशन। इसको भी हम किसके द्वारा कम कर सकते हैं, डाइजेशन के द्वारा। इसका नेक्स्ट है हमारा एस्टिमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम सल्फेट का हम डिटरमिनेशन कैसे करेंगे। तो इसका बेसिकली प्रिंसिपल है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्शन देख रहे होंगे आप, BaCl2H2SO4 गिव्स BSO4+2SO4। ठीक है, इसका प्रोसीजर से पहले हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, 20.8 ग्राम बेरियम क्लोराइड लेंगे, 100 ml distilled water को डिजॉल्व कर लेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। दूसरा 3 ग्राम कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, उसको 100 ml distilled water में डिजॉल्व कर लेंगे। अब प्रोसीजर क्या है हमारा, सबसे हमें 25 ml बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है, उसको 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड कर देना है। इसके बाद हम उसमें 0.5 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे और उसका वॉल्यूम मेकअप 100 ml तक कर लिया जाए। उस सॉल्यूशन को हम हीट करेंगे कुछ समय तक के लिए। ठीक, इसके बाद इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप और उसको स्टिर करते रहेंगे, जिससे प्रेसिपिटेशन की जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद क्या होगा, हम पीपीटी को डाउन के लिए रख देंगे, जिससे उसकी पीपीटी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई या नहीं हुई, इसको हम कैसे चेक करेंगे, एक्स्ट्रा 2 या 3 ड्रॉप हम सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करके देखेंगे। अगर पीपीटी बन चुका होगा तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसके बाद हम जो पीपीटी बना उसको फिल्टर पेपर के, बॉडमेंट फिल्टर पेपर की सहायता से फिल्ट्रेट कर लेंगे। फिर उस पीपीटी को वॉश करेंगे हॉट वाटर के साथ, जिससे उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हो वो हट जाए। इसके बाद हम सब उस पीपीटी को ड्राई करेंगे ओवन में 110 डिग्री सेल्सियस पर फिल्टर पेपर के साथ। ठीक है, आफ्टर ड्राइंग के बाद हम क्या करेंगे, जो भी पीपीटी होगा हम उसको जो फिल्टर पेपर है उस इग्नाइस के द्वारा जला देंगे और उसको कूल करेंगे और उसका वेट करेंगे। अब कैलकुलेशन, जैसे बेरियम सल्फेट का 0.5 ग्राम मान लो पीपीटी बना हमारा, तो बेरियम सल्फेट का वेट कितना, 233.42 और बेरियम का ओनली 1/3। इसका जीएफ फैक्टर निकाला हमने, 0.585 आया। अब 0.5 BSO4 में इसका एमपीए का अमाउंट कितना है, तो 0.585 × 0.5 = 0.29325 ग्राम ऑफ बी ए, मतलब 0.29325 ग्राम ऑफ बेरियम आयंस इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये तो था हमारा आज का टॉपिक, प्योरिटी ऑफ प्रेसिपिटेट एंड एस्टीमेशन ऑफ बेरियम सल्फेट।
इफ एनी डाउट, थैंक यू।